28 वर्षीय बैंक एम्प्लॉय संजीव माथुर की गोली मारकर की गई हत्या को पहले एक रोड रेज का वाकया समझा जा रहा था, लेकिन पुलिस ने शक के 5 अलग अलग एंगल्स को टटोला और साबित किया कि ये एक सोची समझी हत्या की साजिश थी। भूषण बोरा, जतिन भंडारी, इनके नाम का रेड अलर्ट जारी करो और सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दो। राइट सर। और संजीव माथुर से जुड़े सभी लोग, उसके पिता गंगाधर, उसका भाई आशीष और उसके मंगेतर नेहा, उसके तीनों दोस्त रवि, नितिन, विशाल, सबके फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ और बारीकी से स्कैन करो। मर्डर? हमारे संजीव का मर्डर किया गया? हाँ पापा, पुलिस तो यही कह रही है। पुलिस कह रही है कि वो तो बाइक वाले बार में ही थे, संजीव के ऊपर नजर रखे हुए थे और वहां से उसका पीछा करते हुए गए चैतन्य नगर में। क्यों करेगा कोई ऐसा? नेहा जी, पहले हमें शक था पर अब हमें यकीन हो चुका है, तो सबूत है हमारे पास। अब आप हमें ये बताइए कि आपको किसी पे शक है? नहीं पता मुझे, नहीं पता। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या आपको पता था कि संजीव अपने दोस्तों से 5 मार्च की रात को होटल अर्पिता में मिलने जा रहा था? कैसा सवाल है ये? बॉयफ्रेंड था वो मेरा, मंगेतर था। अगर रोज मिलते नहीं थे तो दिन में 100 दफा फोन पे बात होती थी, मैसेजेस होते थे, हर पल की खबर होती थी हमें। और मुझे पता था संजीव उस दिन अपने दोस्तों से मिलने गया है। समझदारी से हमें सोच कर बताइए कि कौन हो सकता है जिसको संजीव की मौत से फायदा हो सकता है। ये बात भी अजीब लग रही थी कि के सर, अगर गोली गुस्से में चली, जिसे रोड रेज कहते हैं, तो सर संजीव पे ही क्यों चली? झगड़ा तो दोनों के साथ हो रहा था ना, संजीव और विशाल के साथ। रवि, ये रोड रेज का मामला था ही नहीं, ये एक प्लान मर्डर था। वो दोनों पेशेवर हत्यारे थे, प्रोफेशनल किलर, और संजीव किसी ना किसी के निशाने पर जरूर था। किसके निशाने पे था सर? वही तो मैं तुम दोनों से पूछ रहा हूँ कि क्या संजीव विशाल का निशाना था? सर, मैंने आपको स्केच के दौरान भी बताया था, उन दोनों ने हेलमेट पहने हुए थे, मुझे उनका चेहरा याद नहीं। बार में इन दोनों ने हेलमेट नहीं पहने थे? जी जी। सॉरी सर, हमने इन दोनों को नोटिस ही नहीं किया। आप लोग किसी बैंकिंग एग्जाम की कोचिंग क्लासेस के लिए जाते थे ना? हाँ सर, हम चारों एक साथ जाते थे, मैं, नितिन, संजीव और विशाल। और नेहा? नेहा? हाँ नेहा। जी सर, नेहा को मैं एक अरसे से जानता हूँ, हम सब एक ही कोचिंग क्लास में थे। ये संजीव नेहा को कोचिंग क्लासेस से पहले से जानता था? नो सर, हम सब कोचिंग क्लासेस में ही मिले थे। यस ऑफ कोर्स, संजीव और नेहा का लव अफेयर शुरू हुआ, पर पहले हमें नहीं पता था, फिर संजीव ने हमें ये गुड न्यूज़ दी। क्या विशाल के लिए ये वाकई गुड न्यूज़ थी कि नेहा संजीव की गर्लफ्रेंड बन गई थी? सर, हम चारों बहुत अच्छे दोस्त थे, संजीव की गर्लफ्रेंड बन गई थी, 3 साल से अच्छे रिलेशनशिप में था, तो हमारे लिए तो गुड न्यूज ही थी सर। संजीव हम दोनों से ज्यादा क्लोज विशाल के हो गया था, क्योंकि एक ही बैंक में वो जॉब करते थे ना। क्या दोनों एक ही लड़की से प्यार भी कर रहे थे? और क्या नेहा दोनों की गर्लफ्रेंड थी? ये कैसी घटिया बातें कर रही हैं आप? मेरी बेटी संजीव की मंगेतर थी, दोनों की शादी होने वाली थी अगले साल। और मैडम, विशाल, नितिन और रवि, इन तीनों को मैं सिर्फ और सिर्फ संजीव के थ्रू जानती थी, अलग से कोई रिश्ता नहीं था मेरा इनके साथ, खासकर वैसा सब भद्दा रिश्ता आप सर्च कर रही है। नेहा जी, संजीव का मर्डर हुआ है और दुश्मनी का कोई और एंगल हमारे सामने है नहीं। इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप कोई भी सवाल पूछे, बेमतलब के रिश्ते जोड़े। वो फियांसे था मेरा, हम प्यार करते थे एक दूसरे से। 3 साल से जानती थी ना आप संजीव को? हाँ। और 3 साल के पहले? 3 साल के पहले क्या? 3 साल से पहले किससे प्यार करती थी आप? पटना, कोलकाता, लखनऊ, जहाँ जहाँ भी मेरे जेल भाई हैं सभी लगे हुए हैं, लेकिन ये साले दोनों भूषण और जतिन पता नहीं कहाँ गायब हो गए। देख शरद, उन दोनों तक पहुँचना पुलिस के लिए बहुत ज़रूरी है, वो दोनों मिले
तो ही केस सुलझेगा। तू रेट की चिंता मत कर, 3 गुना दूंगा, 4 गुना दूंगा। जावेद भाई, आखिर मामला क्या है? आम का पेड़ मत गिन, और ये रखा एडवांस, ढूंढ उन्हें, बाकी के पैसे भी तुरंत मिलेंगे। किसी बिल में बैठे होंगे, कभी ना कभी तो निकलेंगे। मिल गया? हाँ मिल गया भाई, हमें निकलना चाहिए। चल, वैसे हम कहाँ जा सकते हैं? कहीं भी जा सकते हैं जहाँ पर हम कभी गए नहीं हो, मतलब जहाँ हमें कोई पहचाने नहीं। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कहीं भी। इतनी गर्मी है, कहाँ जाएंगे यार? हमारे चेहरे है ना पुलिस वालों के हत्या लग गए, सारे पुलिस स्टेशन में फोटो चिपकाए हुए, मोस्ट वांटेड, समझे? कैसे? सीसीटीवी कैमरा, होटल, याद है मैं बोल रहा था नहीं जाते आगे, यहीं रुकते हैं। तुम जिद कर रहे थे, चलो 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 आगे चलते हैं, देखते हैं आगे आया कि नहीं आया। लेकिन साला उन लोग कैसे पता चला, वो दो बाइक वाले हम लोग हैं। यार मुझे क्या पता, और पुलिस वाले ना अंधेरे में साया ढूंढ लेते, बगीचे से बदबू सूंघ लेते। वैसे हमें निकलना चाहिए, शायद जमशेदपुर अब दोबारा देखने को नहीं मिले। कोई नई बात नहीं है, इस कांड के मास्टरमाइंड ने अलग सिम कार्ड इस्तेमाल किया होगा, फर्जी वाला। सर, संजीव की उसकी मंगेतर नेहा के साथ रेगुलर बात होती थी, उसके तीनों दोस्त नितिन, विशाल और रवि, उनसे भी रेगुलर बातें होती थी। और सर एक और नंबर है जिस पर कुछ ज्यादा ही बातें होती थी। किसका? देवी का है सर, नंबर फर्जी नहीं है, उसी का है। देवी का संजीव के बैंक में काम करती है। दोनों एक ही जगह काम करते थे तो ज्यादातर काम की बातें होती होंगी। सर काम की बातें काम की जगह पर आमने सामने होती होंगी, रात को 11 बजे, सुबह 6 बजे, पब्लिक हॉलीडेज, संडेज, मतलब समझ रहे ना आप। बोलवा। कट्टे का ट्रिगर दबाने वाले हत्यारों को भनक लग गई थी कि पुलिस उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। वो अपने कदमों के सारे निशान मिटाते मिटाते गुमनामी की गुफाओं में गुम होने के लिए निकल पड़े थे। दूसरी ओर पुलिस को फोन रिकॉर्ड्स में संजीव माथुर की जिंदगी का एक अनजाना पहलू नजर आया, और तीसरी ओर संजीव की मंगेतर नेहा के बारे में भी उन्हें एक अजीब सी जानकारी मिलने जा रही थी। मैडम मैटर तो है मगर पुराना है। गोविंद, गड़े मुर्दे और पुराने आशिक सबसे ज्यादा बोलते हैं। 3 साल से पहले किससे प्यार करती थी आप? पुराने आशिक का नाम सौरभ गुप्ता है। इस आशिक की कुंडली लाए हो ना, वो क्या कहते हैं इसका स्टेटस, इट्स सिंगल और कॉम्प्लिकेटेड। बंदे का स्टेटस अब फुल्ली कॉम्प्लिकेटेड है, समझिए डिवोर्स को 1 साल भी नहीं हुआ है। नेहा की वजह से हुआ डिवोर्स? मैडम इन लोगों का चक्कर 4 साल पुराना था, अब डिवोर्स किस वजह से हुआ इसका स्टेटस अपडेट तो अभी तक मिल नहीं पाया। 4 साल पहले ये सौरभ और नेहा कहाँ मिले, कैसे मिले, कैसे पता चलेगा? वैशाली गुप्ता मैडम। हेलो वैशाली, आप उनको बताए थे ना कि नेहा अपने पुराने अफेयर के बारे में बात करने से मना कर रही है, तो इसीलिए हम इस वैशाली गुप्ता को ढूंढने का। कौन है वैशाली? नेहा हॉस्टल में रहती थी और इस वैशाली गुप्ता के साथ रूम शेयर करती। नेहा की सहेली और सौरभ गुप्ता की छोटी बहन मैडम। वैशाली का नंबर? सब इंस्पेक्टर रावत बोल रहा हूँ, जगदीशपुर पुलिस स्टेशन से। जी सर। देविका जी आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। मुझे क्यों आना है पुलिस स्टेशन? जब आप आएंगे तब आपको सब बता देंगे, फोन पर बात नहीं हो सकती, जल्दी आइएगा। संजीव माथुर के बारे में बात करनी है, लेकिन मैं तो उन्हें जानती तक नहीं हूँ। नेहा को तो जानती होंगी, काफी अच्छी तरह जानती होंगी, हाँ या ना? हाँ, लेकिन उस बात को तो 4 साल हो चुके हैं। कोई बात नहीं, आपसे काफी बातें होंगी, कल सुबह 10 बजे हमारे थाने में, एड्रेस नोट कीजिए। देवी कराए आती ही होगी सर, और वैशाली गुप्ता कल सुबह आएगी सर। हमने अंधेरे में तीर चलाए तो हैं, देखते हैं पहले कौन सा तीर निशाने पे लगता। मानो उन्होंने गोली से संजीव को मारी, मुझे छोड़ दिया, पर इसमें मेरी क्या गलती? इसके लिए तुम दोनों मुझ पर शक कर रहे हो? सालों संजीव जितना तुम्हारा दोस्त था ना उतना मेरा भी था, कितने सालों पुरानी दोस्ती है हमारी यार, हाँ सब भूल गए। देख विशाल,
हम तेरे पे शक नहीं कर रहे थे। हाँ यार, वो पुलिस वालों ने कहा कि दोनों हत्यारे बाहर से पीछा कर रहे थे, तो एक सेकंड के लिए लगा कि संजीव को गोली लग गई और विशाल को एक खरोंच भी नहीं आई। लेकिन उन दोनों को हमारे पार्टी के बारे में पता कैसे चला? मैंने तो किसी को भी नहीं बताया था। और मैंने भी नहीं। शायद संजीव ने किसी को कहा। और संजीव अपनी एक एक बात दो जगह जरूर बताता था, एक अपने घर वालों को और दूसरी नेहा को। क्या कह रही है पुलिस? वही, इन्वेस्टिगेशन जारी है। ऐसी भी क्या दुश्मनी थी हमारे संजीव से कि उसके पीछे किराए के हत्यारे भेज दिए और उसे ऐसे मार दिया? बेटा क्लास चली जा, मूड नहीं है। मां बेटा, दर्द इतनी आसानी से नहीं जाता और शायद पूरी तरह तो कभी नहीं जाता, पर बीता वक्त लौट कर भी तो नहीं आता ना बेटा। जिंदगी तो जीनी पड़ती है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, आगे की तो सोचनी ही पड़ती। देविका जी, आप इतनी डरी क्यों हैं? सर, क्योंकि मुझे नहीं पता आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। संजीव माथुर को जानती थी? जी हाँ, वो मेरे कलीग थे। फ्रेंड्स? जी हाँ। गुड फ्रेंड्स? ओनली फ्रेंड्स? सर, मैं उसे लाइक करती थी। और वो? सिर्फ मेरी तरफ से था। एक तरफा प्यार? जी नहीं सर, एक ऐसा प्यार जिसका कोई फ्यूचर नहीं था। वो अपने हदें जानता था कि तुम मुझे झूठा दिलासा नहीं देना चाहते। तुम एक्चुअली तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। देविका, मैं नेहा के साथ कमिटेड हूँ। आई नो देविका, आसान नहीं होगा, बुरा लगेगा। सिर्फ तुम्हें नहीं, मैं भी फील करता हूँ। बट वी हैव टू डू द राइट थिंग देविका। हमें ऐसी कोई भी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए जहां से लौटना हम सबको दर्द देगा। बस फिर उसके बाद हम सिर्फ गुड फ्रेंड्स ही रहे, उसके आगे कुछ नहीं। तो फिर आप इतना डर क्यों रही हैं? क्योंकि सर, संजीव और मेरे बीच की ये बात किसी थर्ड पर्सन को नहीं पता थी। मैं बस डर रही हूँ कि कहीं यही तो वजह नहीं है जिस वजह कैसे आप और संजीव माथुर की गुड फ्रेंडशिप जो किसी को पता ही नहीं थी, फिर आप संजीव माथुर के मर्डर की वजह कैसे हो सकती है? मुझे नहीं पता सर, मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये वो वजह ना हो। रावत, मुझे इस देविका राय के ना से फोन रिकॉर्ड चाहिए, बल्कि इसके SMS, सोशल मीडिया साइट्स पर इसकी सारी लॉगिंस और चैट्स सब चाहिए, अर्जेंट बेसिस पर। हायर अथॉरिटी से परमिशन की बात मैं कर लूंगा, तुम बस काम पर लग जाओ। सर, इतने श्योर हैं आप इसके बारे में? मैं इसलिए श्योर हूं क्योंकि ये बहुत अनश्योर थी और जरूरत से ज्यादा डरी हुई भी। संजीव माथुर के फोन रिकॉर्ड से देविका राय वाला मामला सामने आया था, उसकी क्वेश्चनिंग से बयां हुई एक साइलेंट लव स्टोरी। लेकिन संजीव के फोन रिकॉर्ड्स को टटोले जाने से कहीं और किसी के हाथ कांपने लगे थे। पुलिस ने संजीव माथुर के फोन रिकॉर्ड्स क्यों मंगाए होंगे? मुझे क्या पता, मैं तो उसे ठीक से जानता भी नहीं था। देख, बताना तो बनता है तुझे। क्या बताना बनता है? What? देख, जब मैं पुलिस के लिए रिकॉर्ड्स निकलवा रहा था तब मुझे लॉगिन करना पड़ा फीड करने के लिए कि किस किस के रिकॉर्ड्स निकलवा रहा हूँ और क्यों, एंड प्रोसीजर तू जानता है। हाँ, आई नो द प्रोसीजर। सो व्हाट? सिस्टम में एंट्री हुई है कि 2 महीने पहले संजीव माथुर के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाए गए थे और रिकॉर्ड्स निकलवाने वाले एम्प्लॉय का नाम है चंदन भट्ट।
जो तू है। हाँ हाँ, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मैंने किसी बिलिंग पर्पस के लिए निकलवाए होंगे। 2 महीने पहले संजीव माथुर के फोन रिकॉर्ड्स निकाले तो गए थे, पर बिलिंग इश्यूज के लिए नहीं। संजीव माथुर के कत्ल का प्लान एक अरसे से बना जा रहा था। तो 4 साल पहले आप और नेहा बेस्ट फ्रेंड थी? जी सर। पारो गुप्ता कौन है? मेरे बड़े भाई हैं सर। जो कभी नेहा के बॉयफ्रेंड भी हुआ करते थे? हाँ सर, लेकिन मुझे ये बात काफी देर से पता चली। वैशाली, आप और नेहा कहाँ और कैसे मिले, और फिर आपके भैया और नेहा कब मिले, कैसे मिले और क्यों बिछड़े, पूरी कहानी शुरू से सुनाओ। नेहा और मैं कॉलेज में साथ थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे। हम दोनों को एक ही हॉस्टल रूम अलॉटेड था। नेहा, आज कोई क्लास नहीं है तेरा? नहीं यार, बहुत ही बोरिंग सा प्रोफेसर है, मैं अगले लेक्चर में आ जाऊंगी। सौरभ जी, वैशाली कहाँ है? आप? मैं सौरभ गुप्ता, वैशाली का बड़ा भाई। हेलो, मैं नेहा, वैशाली की रूममेट। वो वैशाली कब तक वापस लौट के आएगी? वैशाली क्लासेस के लिए गई है ना, उसे आते आते शाम हो जाएगी। ओके। अगर आपका कोई मैसेज है तो मैं दे दूंगी उसे। मैसेज कुछ नहीं है, बस आप उसको बता दीजिएगा कि उसका बड़ा भाई सौरभ आया था। दोनों मेरे थ्रू मिले और मेरे पीठ पीछे ही मिलते थे। मुझे तो पता भी नहीं था कि भैया अक्सर हॉस्टल आते हैं सिर्फ नेहा से मिलने। दोनों सीरियस थे एक दूसरे को लेकर? नहीं सर, वो तो बस ऐसे ही था और ख़त्म भी हो गया था। आपको कब कैसे पता चला? कब आए थे? सुबह में आए थे। अच्छा, switched off. Please try again later. Thank you. बड़ा अजीब लगा था मुझे कि सौरभ भैया हॉस्टल आए थे और मुझसे मिले बिना ही चले गए। हाँ, वो तो सुबह ही निकल गए थे, मिले नहीं क्या अभी तक? मैं क्लास में थी ना, तो शायद आके चले गए होंगे। मैं थोड़ी देर में कॉल करके पूछ लूंगी उनसे। ये पहली बार नहीं था। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि ये माजरा क्या है। आ गई तू? कैसा रहा लेक्चर? क्या हुआ, तेरा मूड खराब है? नेहा, आज तक सिर्फ दूसरों से सुना था, आज देख भी लिया। क्या क्या जानती नहीं हो क्या? देख वैशाली, वो कुछ देखना वेखना नहीं है, जो देखना था वो देख लिया। सौरभ ने ही मना किया था बताने से, हम अभी श्योर नहीं है ना। किस चीज को लेके श्योर नहीं हो? शादी वादी? ऑफ कोर्स यार, वरना ऐसे थोड़ी ना। नेहा, मेरी भाभी 5 महीने प्रेग्नेंट है। तुम्हारी भाभी? हाँ, सौरभ भैया की वाइफ श्रुति। सौरभ की वाइफ? तुम्हें पता नहीं था क्या? नहीं बताया, कुछ नहीं बताया उसने। उनके बीच जो कुछ भी था वो वही खत्म हो गया था, और भैया और भाभी के बीच भी। तो आपकी भाभी को भी इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल गया था?
उन्हें शक हो गया था तो उन्होंने घर छोड़ दिया। फिर मेरे मम्मी पापा और उनके पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की उनको साथ लाने में, लेकिन जैसे ही नेहा को भैया के झूठ के बारे में पता चला, उसने वो रिश्ता वहीं एंड। उसके बाद उन दोनों के बीच में कुछ नहीं था, या अब उन दोनों के बीच में कुछ नहीं है? सर, मुझे जितना पता है वो मैं आपको बता रही हूँ। एक साल बाद कॉलेज खत्म हुआ, उसके बाद हम सब घर लौट गए, उसके बाद मेरी भतीजी पैदा हुई। पर तुम्हारे भैया भाभी तो अलग हो चुके हैं, डिवोर्स हुआ उनका? हाँ, उस अफेयर के बाद उन दोनों के बीच पूरी तरह से बन ही नहीं पाई। रावत, भैरवी, इस झूठ की नींव पर खड़ी लव स्टोरी का सच हमें जानना होगा। पर सर, हमें ये कहानी तो सिर्फ इस लड़की के एंगल से पता है। तो अब हम ये कहानी दूसरी तरफ से सुनेंगे, नेहा और सौरभ की तरफ से। बुलाओ दोनों। इस केस में एक तरफ था एक दोस्ती का रिश्ता जो कभी प्यार का रिश्ता ना बन पाया, और दूसरी तरफ था एक शादी में बंधने जा रहा रिश्ता जिस पर अतीत का एक साया मंडरा रहा था। क्या थी सच्चाई इस अतीत की, क्या थी इस टूटे रिश्ते की दास्तां? और आखिरकार सबसे अहम सवाल था, वो क्या कारण था जिसकी वजह से बीत जवानी में एक जिंदगी छीन ली गई, और जहां उस जिंदगी से जुड़ा हर रिश्ता अब शक के दायरे में आ गया। एक तरफ था एक जुर्म का जाल और दूसरी तरफ था जाल रिश्तों का। अब इन जालों के कौन से धागे टूटे हुए थे और कौन से धागे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ये जानना बाकी था। इन धागों की गांठें तब खुली जब पुलिस के सामने सुराग एक बहुत ही अनपेक्षित कोने से प्रकट हुआ। सवाल उठा कि क्या रिश्ता टूटने के 4 साल बाद भी सौरभ गुप्ता और नेहा के बीच में अब भी कुछ सुलग रहा था? सौरभ गुप्ता। जी हाँ, सौरभ गुप्ता, आपकी कॉलेज हॉस्टल रूममेट वैशाली गुप्ता का बड़ा भाई, जिसके साथ आपका कभी अफेयर हुआ करता था। 4 साल पहले हुआ था सर, लेकिन मैं उसे कब का भुला चुका हूँ। वो रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका था सर। सर, अब कुछ चीजें मुश्किल होती हैं लेकिन नामुमकिन नहीं, जैसे कि 1 साल पहले के रिकॉर्ड्स निकलवाना। और पता तुम्हारे रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये रिकॉर्ड्स ये तो साबित नहीं करते ना कि हम दोनों में अभी भी कोई रिश्ता है। सर, हम दोबारा कभी नहीं मिले क्योंकि नेहा बहुत आगे निकल चुकी थी और मैं भी आगे बढ़ गया था। हाँ, कभी कभार एक दूसरे का हालचाल जानने के लिए फोन पे बात हो जाती थी। सच? सच। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारी बात नहीं होती थी, बात होती थी हमारी। पर रिश्ता नहीं था? नहीं था सर। वो क्या है ना सर, रिश्ते टूटने के बाद भी कि धूल सी रह जाती है यादों में, और हम बस एक दूसरे की खबर रखते थे। आप दोनों के बीच में क्या बात होती थी? क्या वो आपके साथ फिर से रिश्ता शुरू करना चाहता था? सर, मैं नेहा से हमेशा से शादी करना चाहता था क्योंकि मेरी पहली शादी एक गलती थी, लेकिन सर मुझे यह भी पता था कि अब नेहा के साथ मेरा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें तो यह भी पता था कि नेहा की मंगनी हो चुकी, उसकी शादी होने वाली? सर, वो तो मुझे अभी 6 महीने पहले पता चला जब मेरी नेहा से बात हुई। लेकिन सर, मेरी तरफ से कभी कुछ नहीं था। मुझे कॉल्स करता था, मैसेजेस करता था, पुरानी यादों को ताजा करता था, और मैं बस उसे मना नहीं कर पाती थी। ना ना कहना भी तो हाँ ही समझा जाता है। लेकिन सर, मेरी तरफ से कुछ नहीं था। जिस तरह से उसने अपनी शादी छुपाई थी, क्या आपसे उसने अपना डिवोर्स भी छुपाया था? जी नहीं सर, उसने बताया था मुझे कि उसने डिवोर्स लिया है, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसकी जिंदगी है। और आप उसकी जिंदगी का हिस्सा? जी नहीं सर, मैं संजीव की जिंदगी का हिस्सा थी जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाली थी। सौरभ सिर्फ एक अतीत था मेरे लिए। बस बहुत हुआ सौरभ, मैंने कई बार तुम्हें पोलाइटली समझाया है। देखो, मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहती, लेकिन इनफ इज इनफ सौरभ। ये फोन कॉल्स, ये मैसेजेस, सब कुछ एकदम बंद। नेहा प्लीज मेरी एक बार बात सुन। देखो, मैंने अपनी शादी की बात तुमसे सिर्फ इसलिए छुपाई क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। डिवोर्स फाइल करने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था, सब कुछ अच्छे से प्लान किया था, बट सब फेल हो गया। जो हुआ वो हुआ, बात वहीं खत्म। नेहा, बात खत्म नहीं हुई है। तुम समझने की कोशिश करो, श्रुति और मेरा डिवोर्स हो चुका है, अब मैं पूरी तरह से सिंगल हूँ। नेहा, अब हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता है, प्लीज
प्लीज लौट आओ। स्टॉप इट सौरभ, मैं सीरियसली कह रही हूँ, मेरी मंगनी हो चुकी है और अगले साल मेरी शादी होने वाली है। मंगनी हुई है ना नेहा? शादी तो नहीं नेहा, मंगनी कैंसिल भी हो सकती है। प्यार हुआ है सौरभ, वो तो कैंसिल नहीं हो सकता ना, सच्चा प्यार जो मैं अपने मंगेतर से करती हूँ, जो तुमने तो कभी मुझसे किया नहीं और मैं तुमसे कभी करूंगी नहीं, इस जिंदगी में तो बिल्कुल नहीं। नेहा प्लीज ऐसा मत बोलो प्लीज। अच्छा तो यही होगा सौरभ कि मैं कुछ बोलू ही ना और तुम भी कुछ मत बोलो, आज के बाद ये सारी बातें यही खत्म। बेस्ट ऑफ लक, बाय। नेहा, नेहा, बुरा तो बहुत लगा सर, ऐसा लगा जैसे जैसे आपका कोई बहुत करीबी चल बसा, लेकिन लेकिन कोई जब गुजर जाता है तो वो वापस लौटता नहीं है ना सर। उसी तरह अगर कोई कोई इंसान ये फैसला ले ले तो उसे बदल पाना बहुत मुश्किल है, खास तौर पर तब जब वो इंसान खुद ही बदल जाए। चार साल पहले की नेहा और आज की नेहा में जमीन आसमान का फर्क है सर, मेरा दिल, मेरी सोच, मेरा सब कुछ बदल चुका है। आपका फैंस है संजीव माथुर, इस सौरभ गुप्ता के बारे में कितना जानता था? वो नहीं जानते थे, उन्होंने कभी मुझसे मेरे अतीत के बारे में नहीं पूछा था और ना ही मैंने उनसे कभी पूछा, लेकिन सर अगर वो मुझसे कभी भी पूछता तो मैं उसे बता देती। संजीव एक बहुत ही अच्छा और बहुत सीधा इंसान था सर, मैं उसके साथ कभी चीटिंग नहीं कर सकती थी। और ये सौरभ गुप्ता, ये आपके फियांसे संजीव माथुर के बारे में कितना जानता था? मेरे मुंह से तो कभी संजीव का नाम तक नहीं निकला था सर, कभी भी नहीं। मैं सौरभ को हमारी जिंदगी से दूर रखना चाहती थी। सर जब उसने मुझे बता दिया कि वो अपने मंगेतर से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है, तो मेरे लिए काफ़ी था। सर आज आप मेरे लिए दो और दो चार जोड़ रहे हैं, मुझे तो अब पता चला कि वो संजीव माथुर जिसका मर्डर हुआ वो नेहा का मंगेतर था। सच बोलना सौरभ। सर मैं सच ही बोल रहा हूँ, और वैसे भी मेरे लिए सिर्फ एक ही सच है, और वो यह है कि मेरे लिए प्यार का मतलब नेहा था। और तुमने उसके प्यार के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की, वो इंसान जिसके साथ वो जिंदगी बिताने वाली थी, शादी करने वाली थी। सर सौरभ गुप्ता के पिछले 3 साल के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए, संजीव के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा। इस वक्त हमारे सामने कौन है? देविका राय, जो संजीव माथुर से एक तरफा प्यार करती थी, और देविका के रास्ते का कांटा थी नेहा। तो अगर देविका को कुछ करना होता तो नेहा को मरवाती, संजीव माथुर को नहीं। और दूसरी तरफ है सौरभ गुप्ता, जिसके रास्ते का कांटा था संजीव माथुर। तो क्या सौरभ गुप्ता ने संजीव को जड़ से उखाड़कर अपने रास्ते का कांटा साफ किया? लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं हमारे पास। सर सबूत सिर्फ सीसीटीवी फुटेज में, जिसमें 2 सस्पेक्ट्स हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि वो किराए के हैं या फिर उनकी संजीव के साथ कोई दुश्मनी थी। हमें तो यह भी नहीं पता कि वो इस वक्त है कहाँ। इन शॉर्ट इस वक्त हमारे हाथ में कुछ नहीं। ये एक ऐसा केस लग रहा था जिसमें कोई लीड नहीं थी और जो एक चक्रव्यूह में गोल गोल घूमे जा रहा था। इस हत्या को अंजाम देने वाले इस जुर्म के मास्टरमाइंड्स तक पहुंचने की एकमात्र कड़ी पुलिस के रडार से उड़ चुकी थी। पीड़ित के घर वाले दर्द की अंधी गली में जवाब ढूंढ रहे थे कि आखिरकार उनके बेटे की ऐसी निर्दयी हत्या क्यों हुई और किसने करवाई। सवाल हर किसी के पास थे, पर जवाब में या तो खामोशी थी या और एक सवाल। यह जवाब जब बतौर सवाल सामने आया तो पुलिस अचरज में पड़ गई। सवाल के भेस में यह सुराग था, यह संजीव माथुर क्या नेहा तिवारी का मंगेतर है? क्या यह संजीव माथुर है नेहा तिवारी का मंगेतर? हे ऐप डेट 1st मार्च, देवी का राय का हे ऐप चैट का मैसेज है सर। हेलो, ट्रिपल 4 8 5 6 5 2 5 किसका नंबर? मुझे नहीं पता सर। कोई तुम्हें इस नंबर से तस्वीर के साथ एक मैसेज भेजता है और तुमसे पूछता है कि क्या ये संजीव माथुर है नेहा तिवारी का मंगेतर, और तुम जवाब में लिखती हो यस।
और अब तुम कह रही हो तो मैं नहीं पता ये नंबर किसका है। मेरा यकीन कीजिए सर, मुझे सच में नहीं पता। तो तुमने रिप्लाई क्यों किया बिना सोचे समझे? एक सेकंड के लिए भी दिमाग में ये नहीं आया कि ये नंबर किसका है। The number you have called is currently switched off. Switch off है सर। कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा। चल। बोलिए देविका राय। बोलिए। इस बात का जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि मैसेज आपको किसने भेजा था। मुझे सच में नहीं पता सर, मुझे नहीं पता कि मुझे मैसेज किसने किया था। मैंने तो बस इसलिए हाँ कर दी थी क्योंकि यही तो फैक्ट है ना, संजीव ने यहाँ का मंगेतर है, ये हकीकत कोई नहीं बदल सकता। ये हकीकत बदली, संजीव माथुर अब नेहा तिवारी का मंगेतर नहीं है। इनफैक्ट संजीव माथुर अब इस दुनिया में ही नहीं है। रावत, केस सॉल्व। ये रहा कनेक्शन। ये एंगल तो हमने सोचा भी नहीं था। अब इसका ऐसा टेंटवा दबाएंगे कि एक ही झटके में पूरी कहानी सुनाएगा। मैंने कहा था ना, कुछ चीजें मुश्किल होती हैं लेकिन नामुमकिन नहीं। हमने अंधेरे में तीर चलाया था जो निशाने पर लगा, बस अंधेरा दूर होने का इंतजार कर रहे थे। देविका जी, उस इंसान ने आपको हे ऐप पे पूछा कि क्या संजीव माथुर नेहा तिवारी का मंगेतर है और आपने रिप्लाई में यस किया, बिल्कुल भी डीले नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि कौन है ये आदमी और क्या मकसद है इस अजनबी का? सॉरी मैम, मैंने नहीं सोचा, मैंने सच में नहीं सोचा। नहीं साहब, नहीं साहब, मैं कुछ नहीं जानता। मैं सच 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 कह रहा हूँ साहब, मेरी बात का यकीन करिए, मैं सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता। साहब आपको गलत फहमी हो रही है साहब। हमारे सामने इस कुर्सी पर बैठने वाला हर मुजरिम पहले यही डायलॉग बोलता है, लेकिन हम हर मुजरिम को सच बोलने का एक मौका जरूर देते हैं। उसके बाद भी अगर वो यही डायलॉग रिपीट करता है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता, तो फिर हम डायलॉग नहीं बोलते, सीधा एक्शन शुरू करते। और जब हम एक्शन शुरू करते हैं तो ये जो कॉन्स्टेबल है के डंडे से पिटाई शुरू कर देते और तुम्हारी इतनी पिटाई करेंगे कि तुम्हारी हड्डी पसली एक हो जाए। ठीक से बैठना तो क्या, ठीक से लेट भी नहीं पाओगे। तो अब ये तुम तय कर लो, पहले तुम्हारी जुबान चलेगी या हमारा डंडा। सर मैंने ही मरवाया था संजीव को और मैंने ही उन दोनों को सुपारी भी दी थी। तुम्हारी झूठ की बुनियाद पर खड़ी ये नेहा वाली लव स्टोरी हम सुन चुके हैं, अब तू हमें एक्शन स्टोरी सुना। देविका राय से तुम्हारा कांटेक्ट कैसे हुआ, वो दो किराए के हत्यारे कौन थे और संजीव माथुर को तुमने कैसे मरवाया, पूरी कहानी सुना दे एक ही झटके में क्लाइमैक्स तक। और हाँ, नो इंटरवल। जब नेहा ने मुझे फोन करके बताया कि वो इंगेज्ड है और वो अपने मंगेतर से प्यार करती है और वो बहुत जल्द शादी करने वाली है, तो बस सर मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने नेहा से अपनी शादी की बात इसलिए छुपाई ताकि पहले उसे अच्छी तरह से तैयार कर लूं, उसे जीत लूं। इसीलिए मैंने अपनी वाइफ श्रुति को भी डिवोर्स दे दिया था ताकि हमारे बीच में कोई रुकावट ना हो सर। लेकिन जब वो खड़ी आई तो नेहा ही तैयार नहीं थी। तुम संजीव माथुर को नहीं जानते थे, यहां तक कि तुमने उसका नाम भी नहीं सुना था। नहीं सर, मैं तो देविका को भी नहीं जानता था। तुमने देविका राय के मोबाइल पर संजीव माथुर की तस्वीर के साथ ये मैसेज भेजा था कि क्या यही संजीव माथुर है जो नेहा तिवारी का मंगेतर है? जी, और उसी मैसेज की वजह से मैं पकड़ा गया ना। देविका राय का नंबर तुम्हें कहां से मिला? जड़ से उखाड़ फेंकना, सौरभ के मसले की उसकी कश्मकश की जड़ संजीव माथुर था, नेहा का मंगेतर, एक ऐसा इंसान जिसके बारे में सौरभ को कोई जानकारी नहीं थी, ना कभी देखा, ना कभी फोन पर बात हुई और ना ही कभी आमने सामने मिला। अब सौरभ के लिए संजीव के बारे में जानकारी नेहा से तो मिलने से रही, और अगर वो कोशिश भी करता तो उसके प्लान के हर कदम के निशान
सीधे पुलिस तक पहुंचने का खतरा भी था। मैंने एक फेक फ्रेंड स्क्वायर प्रोफाइल बनाया आंचल मिश्रा के नाम से, और बड़ी कोशिशों के बाद नेहा ने मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद मुझे नेहा के फोटोग्राफ्स देखने को मिले। मैंने इन फोटोग्राफ्स की मैचिंग की और पता चला बंदे का नाम संजीव माथुर है। फिर मैंने संजीव माथुर का फोटो और फोन नंबर ढूंढ के निकाला। तुम तो संजीव माथुर को जानते तक नहीं थे, और ना ही नेहा ने तुम्हें संजीव के बारे में कुछ बताया था। फिर तुम कैसे श्योर हुए कि ये वही संजीव माथुर है जो नेहा तिवारी का मंगेतर है? श्योर नहीं था सर, इसलिए तो श्योर करवाया। सौरभ यार, क्या कह रहा है तू? मरवाया क्या? निकलवाना यार, एक नंबर के फोन रिकॉर्ड ही तो निकलवाने के लिए कह रहा हूँ मैं तुझसे। यार फोन रिकॉर्ड निकलवाना कोई हलवा पूरी तो है नहीं यार। ना मत बोल। देख मैं तुझे नंबर और नाम दोनों SMS कर रहा हूँ, ठीक है? और तू आसानी से कर लेगा यार, तेरी कंपनी का ही सिम कार्ड है। देख वो सब ठीक है, लेकिन तू पहले मुझे ये बता कि तेरा इरादा क्या है। भाई मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, समझ रहा है तू? तो फिर बोल क्यों नहीं रहा है? यार बोल दूंगा यार, और तू मुझे जानता नहीं है क्या जो ऐसे सवाल जवाब कर रहा है? पहले रिकॉर्ड्स तो निकलवा। मैंने मेरे दोस्त चंदन को पटा लिया संजीव माथुर के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाने के लिए। संजीव के फोन रिकॉर्ड्स में से मुझे एक नंबर मिला जिस पर संजीव फोन किया करता था। नेहा के नंबर के बाद यही एक नंबर था जिस पर संजीव के मैक्सिमम कॉल्स जाते थे। मैंने तुक्का लगाया और इस पर एक हेल्प मैसेज भेजा। अब मुझे कंफर्मेशन मिल गया था कि ये वाकई में संजीव माथुर है जो नेहा का मंगेतर है। उसके फोन रिकॉर्ड से मेरे पास उसका एड्रेस भी था। फिर मैंने उसका पीछा शुरू किया। पता चला बैंक में जॉब करता है। नितिन और रवि दोनों 5 मार्च को आने हैं। सुपर्ब, चल इस बार पार्टी मैं देता हूँ। वही अपना पुराना अड्डा अर्पिता होटल के बार में। परफेक्ट, उससे अच्छी जगह नहीं है। अभी दोनों को मैसेज करता हूँ कि 5 मार्च की रात लॉक कर लें। मुझे नहीं पता था कि वो दिन इस काम के लिए सही था कि नहीं, लेकिन मैंने सोच लिया था कि उस दिन काम करना है तो बाकी सब ठीक हो ही जाएगा। इस शनिवार 5 मार्च को रात में वो अर्पिता होटल के बार में होगा। पक्का अपनी गाड़ी से आएगा। तुम लोग उसका पीछा करोगे और सुनसान जगह देखकर। ये फोटो है उस लौंडे का, इसको ठोकना है। हाँ अच्छी तरह से देख लो, हो सकता है कि कोई इसका दोस्त भी इसके साथ हो, लेकिन मरना सिर्फ यही चाहिए। ठीक है, मरेगा ये। ध्यान से। हार्डवेयर के धंधे में हूं तो भंगार मार्केट में आना जाना लगा रहता है। वहां के बदमाशों को भी जानता हूं, वहीं से पता चला कि ये दोनों सुपारी लेते हैं। तुमने ये सब प्लानिंग, ये मर्डर ये सोच के किया कि ये सब करने के बाद नेहा तुम्हारे पास वापस आ जाएगी? वो तो आना ही था ना सर, हमारे बीच में एक ही कांटा था, वो था संजीव, जिसे मैंने जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया था। रास्ता क्लियर था सर? रास्ता क्लियर जरूर हुआ, लेकिन तुम्हारे और नेहा के मिलन का रास्ता नहीं, बल्कि तुम्हारे और कोर्ट के बीच का रास्ता, जहां से तुम्हें सीधा जेल भेजा जाए। संजीव की मौत का कारण और उसकी पूरी प्लानिंग सुनकर संजीव के दोस्त बौखला गए। देविका यकीन ही नहीं कर पा रही है कि उसने एक अजनबी के मैसेज को रिप्लाई किया और जिसकी वजह से उसके प्यार संजीव की हत्या में मदद हुई। संजीव के घर वाले मान ही नहीं पा रहे हैं कि संजीव का हत्यारा एक ऐसा आदमी है जो संजीव को जानता तक नहीं था, बस उसे सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि संजीव की मौजूदा मंगेतर 4 साल पहले उस आदमी की माशूका रही थी। नेहा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है,
उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक अतीत के रिश्ते का भूत उसके वर्तमान में इतना दुखद उधम मचाएगा। अपने स्वार्थ को प्यार समझने वाले इस व्यक्ति ने एक मासूम इंसान की जिंदगी बेवक छीन ली। संजीव माथुर ने जिंदगी जीने का पूरा प्लान बना रखा था, लेकिन नियति की प्लानिंग कुछ और ही थी। एक चोट खाया प्रेमी उसकी मौत की प्लानिंग कर बैठा और दुर्भाग्यवश कामयाब भी हुआ। किसी की जिंदगी को जड़ से उखाड़कर अपनी जिंदगी की जड़ें कभी मजबूत नहीं हो सकती। यह तो सरासर हत्या का केस था। यदि कोई किसी को किसी भी तरह का घाव देना चाहे, आर्थिक रूप से या इमोशनल तरीके से, ऐसा सोचने वाले का हमेशा नुकसान ही होता है। यह एक क्लियर कट केस है सतर्क ना रहने के अंजाम का। देविका राय को एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया संजीव माथुर के बारे में जानकारी मांगता हुआ। अगर देविका ने उसी वक्त सतर्क होकर यह सोचा होता कि कोई अजनबी उससे जानकारी क्यों मांग रहा है और यह बात उसने संजीव को बताई होती तो शायद संजीव सतर्क हो जाता और शायद सौरभ अपने क्रिमिनल इरादों में सफल नहीं हो पाता। उसी तरह से मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के ऑफिस में काम करने वाले सौरभ के दोस्त चंदन को भी सतर्क हो जाना चाहिए था जब सौरभ ने उससे संजीव के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने की संदेहजनक दरख्वास्त की। चंदन ने बिना सोचे रिकॉर्ड्स निकालकर एक गैर कानूनी हरकत की और अनजाने में वो भी सौरभ के प्लान का हिस्सा बन गया। उसे नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है और पुलिस उससे और पूछताछ कर रही है। हर जुर्म होने के पहले अक्सर एक सिग्नल देता है जो मुजरिम और पीड़ित दोनों के करीबी लोगों को सतर्क करने के लिए एक दस्तक होती है। अपनी आंख, कान और सबसे ज्यादा अपना दिमाग खुला रखें, जुर्म काफी कम हो सकते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।